को भी जोड़ना है। अधिक बातों पर हम लोग न जाते हुए एक बार पुनः आप लोगों को आपकी जनता ने चुन करके भेजा है और पार्टी ने तय किया है कि ऐसे चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि साथियों अभी जब चुने जाते हैं और उसके बाद जब दो चार साल बीत जाता है कहीं न कहीं लोगों की अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं, और अगर उन अपेक्षाओं को हम पूरा करने में कहीं सफल नहीं हो पाए तो लोगों की नाराजगी बढ़ने लगती है। लेकिन हम लोगों के साथ अगर वीडियो साहब का सहयोग है, प्रमुख जी का सहयोग है, प्रधान संघ का सहयोग है और माननीय विधायक जी का सहयोग है, तो जितना जनता की अपेक्षाएं रहेंगी गाँव में उससे ज्यादा हम लोग जनता को दे पाएंगे, और ऐसा करने में आप सभी लोग सदैव सफल रहें। 100% जनता उम्मीद करे, 110% आप उनको दे पावे, ऐसी ईश्वर से कामना करते हुए एक बार पुनः आप सभी को, मंचासीन सभी अपने वरिष्ठ जनों को, यहाँ इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए, आप लोगों को यहाँ पधारने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। प्रेस उपस्थित है, आनंद सिंह जी जयसवाल सिंह जी, आकाश तिवारी जी उपस्थित, सभी पत्रकार बंधुओं का इस कार्यक्रम में वंदन। को आगे की रूपरेखा को देते हुए हम आमंत्रित करना चाहते हैं ब्लॉक प्रमुख बड़े भाई परम आदरणीय श्री सत्येंद्र प्रताप सिंह जी। हम क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं जिला पंचायत सदस्यों के सम्मान समारोह में हमारे महाराजगंज के विकास खंड में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आप लोगों का अभिनंदन किया जा रहा है। अभिनंदन इसलिए हो रहा है कि कोई हम लोग सौगात देने आए हैं, अभिनंदन इसीलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विचारों के लोगों ने आप लोगों को प्रधान बनाया है, आप लोगों को क्षेत्र पंचायत सदस्य बनाया है, तो उन विचारों को आगे लेके जाना है, उन विचारों को हमको पूरी विधानसभा में लेके जाना है, लोकसभा में लेके जाना है, उत्तर प्रदेश में जाना है, भारत के पूरे एक एक घर में पहुंचाना है। आज भारतीय जनता पार्टी आपके सम्मान के लिए, आपके विकास के लिए, आपके विश्वास के लिए काम कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी आपके सम्मान को समझती है, आपके विचारों को समझती है, उन्हीं विचारों के तहत आप लोगों के सम्मान के लिए ये कार्यक्रम हमारे माननीय विधायक रामेश रावत जी के आह्वान पर किया गया है। मैं विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे सभी प्रधानमंत्री, सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य ये एक नई जिसे पतझड़ होता है, पत्ते गिरते नए पत्ते आते हैं। अब हम लोगों को समझने की बात है कि हमको अभी वो एक साल के लिए होता है पत्तों का खेल, लेकिन हमारा 5 साल का खेल है। 5 साल में हमको अपने इस तरह के विचार बनाने हैं कि 5 साल बाद हम लोग दोबारा आए तो जैसे हर बार होता है कि 10% के 20% चेहरे नजर आते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी प्रधानमंत्री हैं, जितने भी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, ये ऐसा काम करें कि हर 5 साल बाद इन्हीं का चेहरा नजर आए। मैं और एक बात क्षेत्र पंचायत की मैं धन्यवाद देता हूँ राजकुमार पासी जी को, ये हमारे दो विचारों का, हमारे दीपू भाई, दीपू चौधरी जी यहाँ पे नहीं है, हम दो विचारों को एक मिला के राजकुमार पासी जी को प्रभु बनाया गया है। ये दो विचार इसलिए है कि इस क्षेत्र का इतिहास का विकास होना है और विकास माननीय विधायक जी के आशीर्वाद से, विधायक जी के सहयोग से होना है, और इस विकास क्रम में मैं दो चीज कहना चाहता हूँ। पहली चीज कि आज की बाधाएं आएंगी उसके लिए हम लोग हैं, हमारे विधायक जी हैं, उन बाधाओं को दूर करेंगे, और लेकिन उन कर्तव्यों को आगे बढ़ना है। आज बधाई की मेला है, सम्मान की मेला है, मैं पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। मैं एक और अनुरोध करना चाहता हूं, पिछली बार माननीय विधायक जी ने कहा था कि महिलाओं की संख्या कम होती जा रही है, इसमें हम लोग शपथ लेने आए थे तो महिलाओं की संख्या चलेगी, तो मैं इसी के साथ बहुत बहुत आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और माननीय विधायक से एक हमारा अनुरोध है कि इस विकास खंड का 5 साल ही दुर्भाग्य रहा है, क्योंकि काम करने का नंबर नहीं आता है, कार्ययोजना किस तरह बनती है, काम कैसे आता है, कार्ययोजना बना लिए तो उसको पास कैसे किया जाता है, उसको फिट कैसे किया जाता है, तो उसे 5 साल का बीत जाता है, पता चला एक मंत्री है दूसरे चले गए तीसरे है किसी। धन्यवाद प्रमुख जी, आप हम सीधे आमंत्रित करते हैं आज के मुख्य अतिथि। जरूरत किसको होती है जो थोड़ा कमजोर है, जैसे हम विधायक हैं, हम थोड़ा कमजोर थे इसलिए आरक्षण व्यवस्था हमको दी गई,
पचरावा विधानसभा आरक्षित है, उसी प्रकार से महिला वर्ग थोड़ा कमजोर है, इसलिए उनको आरक्षण की व्यवस्था दी गई। अनुसूचित जाति का आरक्षण है, पिछड़े वर्ग का आरक्षण है, सामान्य वर्ग है, तो इस तरीके से जो हमारी बहनें अगर यहाँ पर आएंगी, पंचायत सदस्य रही हैं, एक बार बीजेपी से एमएलए का चुनाव लड़ी हैं, मैं कभी भी जिला पंचायत में प्रतिनिधि बनकर नहीं गया, कभी भी। इनको जानने का अवसर मिलना चाहिए। आरक्षित वर्ग इसीलिए बनाया जाता है ताकि उनको अपना पूरा मौका मिले काम करने का। हमारी भारतीय जनता पार्टी का भी संविधान इसी प्रकार से है, वहां पर भी आरक्षण की व्यवस्था है। तो हम जिस दल से आते हैं, आज करीब 25-26 साल से मैं किसी न किसी पद पर रहा हूं, तो निश्चित रूप से मित्रों, जो प्रतिनिधि लोग आते हैं, अपनी महिलाओं का समझिए नहीं हुए आगे बढ़ना देना चाहते हैं, सीधा एक आरोप मेरा है, आरोप से आप वंचित नहीं हो सकते, आरोप मेरा आपके ऊपर है और दूसरे के अधिकारों पर डाका डाल रहे हैं आप। इसलिए मित्रों, मेरा निवेदन है आपसे कि अगली बार जब भी कभी कोई बैठक हो तो मातृशक्ति को जरूर आगे लाएं, और जिसकी मातृशक्ति घर से बाहर निकलती है तो अगली 3 पीढ़ियां ठीक हो जाती है। क्योंकि अर्जुन ने अपनी पत्नी को एक कहानी सुनाई थी चक्रव्यूह तोड़ने की, और पेट में अभिमन्यु थे, उन्होंने पेट में सीख लिया था, तो कितनी बड़ी बात है। अगर महिलाएं यहां आएंगी, बाहर निकलेंगी, तो बच्चा सीख रहा है, और बच्चा 5 साल की उम्र तक अवचेतन मन से बहुत कुछ सीख जाता है। 12-14 साल तक आते आते बच्चे को सब कुछ सीख मिल जाती है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको अपने परिवार को बहुत अच्छी तरीके से चलाएं। 9 जगह पर जन्म लेते ही हम 9 जगह के सदस्य हो जाते हैं, परिवार कुल 7 पीढ़ी तक, गोत्र 21 पीढ़ी तक, फिर जाति आ जाती है, जात के बाद में फिर वर्ग आ जाता है, वर्ग पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात वर्ग, सामान्य वर्ग, किस तरीके से वर्ग आ जाता है, फिर धर्म आ जाता है, और फिर देश राष्ट्र संपूर्ण मानव समाज आ जाता है। जन्म लेते ही हम 9 जगह के सदस्य हो जाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय है परिवार। जिसका परिवार विकृत होता है तो उसका मन कहीं नहीं लगता कुछ काम करने में। इस नाते बच्चों को, बच्चों के लिए अपने, अगर उनको एक गांव के लोगों ने अवसर दिया है, ग्राम पंचायत ने अवसर दिया है BDC बनने का, प्रधान बनने का, तो उनके अवसर का लाभ उन्हें जरूर मिले। और जिस घर की महिला बाहर निकलने लगती है तो समझिए विश्व उनकी गोद में रहता है। शुरू कर लिया और 2 विषय से एमए किया। अगर इन्होंने ये बाहर नहीं निकला होता तो मेरा बेटा जो आपके सामने बैठा इंग्लैंड पढ़ने नहीं जा सकता। हम चाहे जितना तेजी दिखाते, चाहे जितना, मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिस दिन आप अपने सवेरे वाली 1 घंटा बैठ करके, उस दिन सारी दुनिया आपकी गोद में होगी। वो घर की चौपाल है, साफ खाना सीख जाएगा, उस दिन समझिए कि बहुत कुछ बदल जाएगा। वो फिर कहीं से आपको शिकायत नहीं मिलेगी। साथ खाइए, 24 घंटे में से 1 बार भोजन, चाहे सुबह का, चाहे दोपहर का, चाहे शाम का, अपने परिवार के साथ निश्चित रूप से करना ही करना है। अब हमारी तो मजबूरी है, जैसे हम बछरावा रहते हैं तो परिवार बाराबंकी रहता, लेकिन अब बच्चे सब बड़े हो गए, 18 साल से ऊपर बच्चे हैं, 2 बेटियाँ 1 बेटा है, तो निश्चित रूप से ये सब बहुत अच्छा हो जाएगा। घर में हमारे यहाँ बड़ा प्रतिबंध है, कक्षा 1 से लेकर अंग्रेजी मीडियम से मेरे बेटे ने पढ़ा है, लेकिन घर में हिंदी भी नहीं बोलना है, अवधी बोलना है, निज भाषा उनके है सब बातन का मूल, हमको अपनी मातृभाषा में बात करनी है। घर के अंदर अंग्रेजी नहीं बोल सकते, घर के अंदर कुछ और भाषा नहीं बोल सकते, केवल अवधी हिंदी यही बोला जाना है। तो निश्चित रूप से मित्रों, हम सब लोगों को, देखो कुछ महिलाएं आई हैं, 2 पुरुष और लोगों की, इधर आप बीच से आ जाइए। चंद्र बहादुर जी, ग्राम प्रधान जीवा,
कामनी जी ग्राम प्रधान हरूर हरिकरण सिंह जी ग्राम प्रधान कच्चेपुर सूरज कुमार जी ग्राम प्रधान अलीपुर आशा देवी जी ग्राम प्रधान मंजगवा कृष्णली जी ग्राम प्रधान पुरासी अजय कुमार जी ग्राम प्रधान घुरौना सुनीता जी ग्राम प्रधान राम रानी जी ग्राम प्रधान पाराखुर्द सत्यवती जी ग्राम प्रधान तौली दिलीप कुमार जी ग्राम प्रधान अश्मी मैकूलाल जी तिवारी जी ग्राम प्रधान बरहुआ संतलाल लोधी जी और भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रतिनिधि संतलाल लोधी जी ग्राम प्रधान कोई कृति यादव जी ग्राम प्रधान रावलपुर ब्रजलाल जी ग्राम प्रधान चंदापुर जगप्रसाद जी ग्राम प्रधान जनई साहब जय जी ग्राम प्रधान डोमापुर अतिकांत त्रिवेदी जी ग्राम प्रधान टीसा खानापुर विनोद कुमार जी ग्राम प्रधान ताजुद्दीनपुर भोलई जी ग्राम प्रधान मऊ रीना यादव जी ग्राम प्रधान कैडावा संध्या सिंह जी ग्राम श्याम कला जी ग्राम प्रधान मोल ब्रजकिशोर सिंह जी जो राजा चंद्रचूर सिंह ग्राम प्रधान कुशली सागरपुर राम आरती जी ग्राम प्रधान कुटुंब मदनिया राम केवल जी ग्राम प्रधान बारी भोन्ना शिव प्रसाद जी ग्राम प्रधान पखनपुर राम मिलन जी ग्राम प्रधान भरसरा कलावती जी ग्राम प्रधान पुरेचली जुदय जी ग्राम प्रधान पाली अंजनी कुमार जी ग्राम प्रधान जमुलिया श्रीमती प्रेमा जी ग्राम प्रधान ताजपुर माया देवी जी ग्राम प्रधान अमावा परमेश्वर यादव जी ग्राम प्रधान उन्हें जंगल राम लखन जी ग्राम प्रधान बावन बुजुर्ग गुबल्ला सहदेव जी ग्राम प्रधान सारीपुर सावित्री देवी जी सूरज देवी जी ग्राम प्रधान बघेल अमरनाथ जी ग्राम प्रधान बैकड़ा सावित्री देवी जी ग्राम प्रधान पिल्लारी कला नहीं हम पूर्व में घोषित कर घोषणा किए थे कि जो प्रधान नहीं आए उनके प्रतिनिधि आने की जो ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत सदस्य न आए हो तो उनके प्रतिनिधि सादर आमंत्रित है मंच पे वो आ सकते हैं क्षेत्र हम आमंत्रित करते हैं क्षेत्र पंचायत सदस्यों ऊपर राम केवल जी अलीपुर द्वितीय कमला देवी जी भटसरा शिवपति जी हरोर प्रथम रामपति जी हरोर द्वितीय सुंदारा जी कक्केपुर सुजीत कुमार जी पुरासी निर्वाचित प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के सम्मान समारोह के उपरांत यहाँ पर जो मीडिया के बंधु उपस्थित है उनका भी विधायक माननीय राम नरेश रावत जी के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। हमारे बीच में अरविंद मौर्य जी पत्रकार रहे वो आए और विधायक जी से सम्मान लें। सुमित श्रीवास्तव जी है पत्रकार रहे आप भी आए। तेजमान यादव जी आप भी आए। मुकेश जी हैं आप भी विधायक जी से सम्मान। घनश्याम चौरसिया जी पवन कुमार जी हमारे बीच में पत्रकार है वो भी विधायक जी से। हमारे बीच में हम सबके मार्गदर्शक वरिष्ठ पत्रकार दादा शिवाकांत अवस्थी जी उपस्थित है। आपसे भी अनुरोध है कि आए
विधायक जी से सम्मान ग्रहण। ब्लॉक प्रमुख राजकुमार पासी जी उपस्थित हैं, विधायक जी अध्यक्ष सुरेश मौर्य जी उपस्थित हैं। भाई सरोज रावत जी, हमारे महामंत्री जिले के संत कुमार सिंह जी, सभी मंडल अध्यक्ष दीपू चौधरी जी, अरुण कुमार जी, विजय सिंह जी, वीडियो साहब और यहाँ पर सभी उपस्थित ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत सदस्य और हमारे सभी पत्रकार बंधु साथियों, सम्मान कार्यक्रम आज समाप्त हुआ लेकिन ये क्रम नहीं समाप्त हुआ। हम चाहते हैं ये क्रम हमेशा बना रहे और ये क्रम तभी बना रहे जब आप लोगों का पूरा सहयोग रहेगा। एक बात कहना चाहते थे उसमें दीपू भाई नहीं थे, हमें कहना चाहते थे हाँ वो दीपू भाई थे, दोनों लोगों ने एक विचार अपने विचार लाए और विचारों पर राजकुमार पासी का जन्म हुआ। तो ये जो जन्म हुआ है राजकुमार पासी का, क्योंकि अनुसूचित राजकुमार पासी का जो जन्म हुआ है, ये जन्म दो विचारों का है। वो दो विचार है, वो 5 साल तक आपके साथ रहेंगे। हमारे जितने भी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जितने भी हमारे प्रधान बंधु हैं, एक मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर कभी विचारों का काल में दूरियां हो तो आके आमने सामने हम लोग बैठ के बात कर लेंगे, लेकिन गलत फहमी नहीं पालेंगे। और ये आपके विकास में मुझे किसी ने वोट दिया या नहीं दिया, किसी ने साथ दिया नहीं दिया, ये विषय नहीं है। विषय है कि हम लोग जिस दायित्व के लिए यहाँ पर स्थापित हुए हैं, उस दायित्व को सच्चे मन से मन साफ करके सच्चे विचार से काम करेंगे और उस काम में कहीं भी कोई बाधा आएगी तो हमारे मुखिया माननीय विधायक जी हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी कार्यकारिणी समिति है, तो सब लोग आपके साथ हैं, आपके हर कदम पर, हर उसमें विकास के कदम पर साथ रहेंगे। हमारे पीडीओ साहब हैं, आपके साथ रहेंगे। मैं इसी के साथ आप सबको एक पुनः कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, चाहे क्षेत्र पंचायत की हो चाहे ग्राम पंचायत की हो, इस विकास खंड से पूरा सहयोग किया जाएगा, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा, ये हमारा वादा है। और हम कहते हैं भाई जो बहने हैं ये भी आगे आवे और इनके साथ हम लोग पूरा एक एक कदम पर इनके साथ में जो विकास की जो उन्होंने वादा किया उसको हम लोग पूरा करेंगे। और इसी का आज सभा का समापन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।